गर्मियां चली गई, सर्दियां आ गई, 2022 चला गया, 23 आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी चीजें आती हैं चली जाती हैं, पर पिंपल एक बार आ जाते हैं तो जाते नहीं है। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों का शादियों में एक अलग ही सीन होता है, वो परेशान डोलते रहते हैं क्योंकि शादियों के सीजन में उन्हें अच्छा दिखना होता है और पूरे साल वो पीते हैं फास्ट फूड, अपने स्किन केयर रूटीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, फिर होते हैं वो परेशान। फिर जाते हैं वो जड़ी बूटी वाले बाबा के पास, यानी कि बॉयज जाते हैं बार्बर के पास और गर्ल्स जाती हैं ब्यूटी पार्लर में। फिर ये सब बोलते हैं, भैया एक ऐसा फेस स्क्रब कर दो, एक ऐसी मसाज कर दो जो पिंपल दो मिनट में, एक रात में गायब हो जावे। भैया ऐसा नहीं होता। फिर बार्बर और ब्यूटी पार्लर वाले लग जाते हैं स्क्रब की रगड़ाई में, या फिर फेस पैक लगाने में, या फिर डिटेन लगाने में। भैया एक घंटे और एक दिन में कुछ नहीं होता, और आप जैसे फेस स्क्रब समझ रहे हो वो पल्ली का मार्केट में थोक में मिलता है, 500 रुपए की पूरी बाल्टी मिलती है, उसे लोटस के डिब्बे में पैक कर देते हैं बिल्कुल सील लगा के, और फिर तुम्हें लूटते हैं और लौंडे लड़कियों का टूटिया बना देते हैं, और फिर उसी स्क्रब को तुम्हें महंगे महंगे 100-200 रुपए में चेपते हैं, और फिर तुम हो जाते हो खुश। अरे घंटा ऐसे नहीं जाते पिंपल। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये कॉन्फिडेंस ना आए ना कि आप पिंपल को गायब कर देंगे, तो एड्रेस दूंगा, आधार कार्ड दिखा के एड्रेस दूंगा, जूते चप्पल लेके स्वागत करने आ जाना। बहुत सारी बकचोदी के बाद अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम जानते हैं पिंपल्स और एक्ने होते क्या हैं। एक्ने और पिंपल स्किन की एक कॉमन प्रॉब्लम है। पिंपल्स ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस और बेकार डाइट लेने की वजह से ये निकल आते हैं। कुछ डाइट और फूड ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से आपकी स्किन खराब हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं। एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादातर फेस पर नजर आती है, लेकिन फेस के साथ साथ यह बैक और शोल्डर पर भी नजर आती है। तो अब हम कर लेते हैं पिंपल्स के कुछ टाइप्स की बात। तो पहला टाइप है पेपुलस। यह पिंक कलर के हार्ड दाने होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। तो अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, पोस्टुलस। यह छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, नोडुलस। यह स्किन की गहराई में निकलते हैं, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इनकी वजह से कभी कभी पेन भी होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, सिस्ट। यह स्किन की ज्यादा गहराई में निकलते हैं, इनकी वजह से पेन भी होता है और कभी कभी ठीक होने के बाद यह आपकी स्किन पर दाग छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, व्हाइट हेड्स। यह बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर यह स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक हेड्स को तो सभी जानते हैं, हम इन्हें क्लियरली देख सकते हैं। ये दिखने में ब्लैक होते हैं और स्किन के सरफेस पर दिखते हैं। ये तो रही टाइप की बात। अब हम जानते हैं कि एक्ने हो क्यों जाते हैं, कॉज ऑफ एक्ने और पिंपल्स। तो हम चलते हैं पहले कॉज की तरफ। अगर आपकी फैमिली में किसी को बार बार पिंपल होते हैं तो आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के वक्त। तुम कहाँ प्रेग्नेंट होते हो? जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड कॉज की तरफ, स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं, इसलिए जिंदगी को आराम से जियो पर स्ट्रेस कम रखो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक ज्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको पिंपल हो सकते हैं, स्पेशली इन लेडीज, और अब तो बॉयज भी मेकअप करते हैं। वो अपने मेकअप को पूरे दिन लगा के रखते हैं और नाइट में अच्छे से वॉश नहीं करते, उसे क्लियर नहीं करते, उसकी वजह से काफी ज्यादा पिंपल हो सकते हैं। इसलिए मेकअप को अच्छी तरह क्लियर करके सोएं, और मेरा मानना तो यह है कि मेकअप को कम ही यूज करें और स्किन को अच्छा रखने के लिए नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज की तरफ, बेकरी फूड्स और हाई शुगर वाले ड्रिंक पीने से आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली चीजें खाने से भी आपको पिंपल निकल सकते हैं। इसलिए टेस्टी ना देखें, अपनी स्किन का भी ध्यान रखें। अब हम चलते हैं लास्ट कॉज की तरफ, ज्यादा धूल मिट्टी और पॉल्यूशन में रहने से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं और आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। बहुत सारा ज्ञान फैलने के बाद अब चलते हैं एक्ने और पिंपल्स को ठीक कैसे किया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने और पिंपल्स। तो पहला ट्रीटमेंट है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो सबके घर में होता ही है। आप कॉटन में थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर अपने एक्ने पर लगाइए। ऐसा करने से आपके एक्ने का साइज काफी छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे वह गायब हो जाएगा। पर हाँ, ध्यान रखें, हमेशा व्हाइट टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें, कोई जेल वाला टूथपेस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ, आइस क्यूब। आइस क्यूब लें, उसे एक साफ कपड़े में लपेटें और अपने पिंपल पर धीरे धीरे रब करें। लेकिन ध्यान रखें, आइस क्यूब को ज्यादा देर तक अपने एक्ने पर ना रखें। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रीटमेंट की तरफ, मुल्तानी मिट्टी पैक। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और लेमन, इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और अपने हाथ से इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाएं, और स्पेशली उस जगह को ज्यादा टारगेट करें जहां पर पिंपल सबसे ज्यादा है। इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पर लगा रहने दें और फिर फ्रेश पानी से इसे धो लें। ऐसा करने से आप पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। अब बाल हो या स्किन, एलोवेरा का नाम तो आ ही जाता है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है एलोवेरा। यह पिंपल हटाने का सबसे आसान तरीका है।
एलोवेरा को 10 से 15 मिनट अपने पिंपल पर लगाकर छोड़ दें और फिर फ्रेश पानी से इसे वॉश कर लें। अब हम चलते हैं अगले ट्रीटमेंट की तरफ, लेमन। एक छोटे बाउल में नींबू का रस निकाल लें, फिर उसमें कॉटन का एक छोटा टुकड़ा डुबो लें और रात को सोने से पहले इस रस को कॉटन में भिगाकर अपने पिंपल पर लगाएं और सुबह तक इसे लगा रहने दें, फिर इसे फ्रेश पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपको दिखेगा जादू, पिंपल हो जाएंगे क्लियर। अब हम चलते हैं अगले ट्रीटमेंट की तरफ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में सफिशियंट क्वांटिटी में पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लें और उसे अपने पिंपल पर लगाएं। 5 मिनट तक इस पेस्ट को अपने पिंपल पर लगा रहने दें, फिर उसको वॉश कर लें। अगला ट्रीटमेंट है टर्मरिक। हल्दी में सफिशियंट क्वांटिटी में पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लें, फिर अपनी उंगली से इस पेस्ट को अपने पिंपल पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे सूखने दें, फिर फ्रेश पानी से इसे धो लें। अब हम चलते हैं लास्ट ट्रीटमेंट की तरफ, नीम पैक। आप गांव से हो या शहर से, नीम तो आसपास मिल ही जाते हैं। नीम के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दें। जरूरत के अनुसार इस मिक्सचर में गुलाब जल भी डाल लें और इन तीनों चीजों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे अपने फेस पर लगाएं और 15 से 20 मिनट सूखने दें। ऐसा करने से पिंपल तो गायब होंगे ही, पर साथ ही साथ आपकी स्किन भी फेयर होगी। अब हम चलते हैं कुछ बोनस टिप्स की तरफ। तो बोनस टिप में हम सबसे पहले करेंगे डाइट की बात, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमें ग्रीन पत्तेदार वेजिटेबल खानी चाहिए, जैसे कि ककम्बर, कैरेट, शिमला मिर्च एक्सेट्रा। हमें अपनी डाइट में सीजनली फ्रूट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा कर्ड को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, साथ ही साथ सुबह सुबह ग्रीन टी पिएं। इन सारी चीजों के अलावा ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, स्पेशली अखरोट, किशमिश, काजू। इन तीनों चीजों को अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करें। ये तो हो गई खाने की बात, अब क्या नहीं खाना चाहिए। ज्यादा ऑयली चीजें या फिर फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों को अवॉइड करना है और अपनी डाइट से निकाल फेंकना है। ऐसी चीजें ना खाएं जिनमें ग्लाइसिनिक की परसेंटेज ज्यादा हो, जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस एक्सेट्रा। अब हम बोनस टिप के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इन लाइफ स्टाइल। अपने चेहरे को मिनिमम हर रोज 2 बार धोएं। एक अच्छा फेस वॉश यूज करें, जिससे आपकी फेस की डर्ट और गंदगी बाहर आ जाती है और पिंपल होने का खतरा काफी कम हो जाता है। मेकअप ब्रश में काफी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए अपने मेकअप ब्रश को अच्छी तरीके से धोएं। हर रोज आपका हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। अगर आपके फेस पर कोई पिंपल है तो उसे बिल्कुल ना दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से पिंपल्स बाकी जगह भी फैल जाते हैं और पिंपल्स फिर ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी डाइट में शुगर और स्वीट्स ज्यादा ना रखें। इसी तरीके से आपको सॉल्ट भी ज्यादा नहीं रखना है। अगर आप सॉल्टी चीजें ज्यादा खाते हैं तो उससे भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों के अलावा हमें अपने फेस को हफ्ते में एक बार ही स्टीम तो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे स्किन के पोर्स खुलने में मदद मिलती है, जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड आसानी से चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके सर्कल में किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसे ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय।